हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट क्लास है, लेक्चर नंबर 4, किसका? चैप्टर 6, अमीनो एसिड पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि जो अमीनो अम्ल जो होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म की हमने बात की थी। आज बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक अपना ज्विटर आयन। नेक्स्ट कौन सा अपना? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन होता क्या है बता दो, इस वीडियो में बता देता हूं। ये ज्विटर आयन क्या होता है? ज्विटर आयन बता दो, ठीक है कि मान लो कि एमिनो अम्ल जो होता है ना, कोई सा भी जनरल एमिनो अम्ल है, उसमें क्या होता है? अंतः पारस्परिक क्रिया होती है। तो क्या होता है? सी डब्ल्यू एच का एच कहां छुप रहता है? एनएच के ऊपर छुप रहता है। और एक अभी है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हम ज्विटर आयन हम कहते हैं। बात करता हूं, देखिए पहले स्टार्ट करता हूं। लेकिन एमिनो अम्लों में एक एमिनो समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ठीक है। एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति होने के कारण कार्बोक्सी समूह की अम्लीय प्रकृति होने के कारण ये अंतः क्रिया कर आंतरिक लवण का निर्माण करती है। जिसे क्या बोलते हैं? हम ज्विटर आयन कहते हैं। बात करता हूं, समझ लें बात करते हैं। इन एमिनो एसिड एमिनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट देन ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे इंटरेक्शन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ साल्ट। क्या होता है? एक साल्ट का निर्माण वो करते हैं, ठीक है। कैसे वो एक्सप्लेन करता हूं, समझ लो आप कैसे साल्ट का निर्माण होगा। देखें, माना कि मेरे पास एक एमिनो एसिड है NH2CHRCOOH, जिसमें अंतः पारस्परिक क्रिया होगी। सी डब्ल्यू एच तो अम्ल की तरह और ये क्या करेगा? NH2Na की तरह, मतलब क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो NH2 पर डोनर होता है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा?
यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और एक ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक हाइड्रोजन का जिस नेगेटिव साइड हो जाता है, तो स्ट्रक्चर क्या होती है, NH3 पॉजिटिव CH R C डबल ओ नेगेटिव, एक लवण का निर्माण होता है। तो ये लवण क्या है ना, बात करते हैं आगे, देखिए थोड़ा सा चलते हैं। देख क्या होता है, यही कारण है कि एमिनो अम्लों के गुण, यही कारण है कि एमिनो अम्लों के गुण संतृप्त एमिनो अम्ल संतृप्त एमिनो अम्ल प्लस संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में इसके लवण से अधिक समानता रखते हैं, अधिक समानता रखते हैं, ठीक है, एवं बने लवण को ज्विक्टर आयन कहते हैं। बने लवण को ज्विक्टर आयन कहते हैं, दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड सिमिलर इज दिस साल्ट कंपेरिजन सेचुरेटेड एमिनो एसिड एंड सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्म्ड साल्ट इज ज्विक्टर आयन, क्या कहलाता है, वो ज्विक्टर आयन कहलाता है, ज्विक्टर आयन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो आपके ज्विक्टर आयन होता क्या है, स्ट्रक्चर में बता दिया आपको पहले ही ज्विक्टर आयन होता क्या है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इसको एम्फोलाइट आयन भी कहते हैं, देखा ही हो रहे हैं। अब ज्विक्टर आयन के कुछ गुण हैं, उनकी बात कर लेते हैं आगे। ज्विक्टर आयन के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ ज्विक्टर आयन क्या होता है, देखिए पहला पहली प्रॉपर्टी मतलब ज्विक्टर आयन मतलब इसमें दो
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्लोप पढ़े थे, इसके लिए हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि किसका प्रमाण कैसे मिलता है। ठीक है, ज्यूप्राइम के प्रमाण की बात कर रहा हूं ना, एविडेंस, बेटर टू प्रमाण, इसको बोल दो एविडेंस। ठीक है, तो प्रमाण है पहला इसका एमिनो अम्लों के विलयनों का, एमिनो अम्लों के विलयनों का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक मतलब पराविद्युतांक उच्च होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एमिनो एसिड्स आर मैक्सिमम। दूसरी एविडेंस, दूसरा इसका प्रमाण बता दूंगा, एमिनो अम्लों के द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्च होता है। एमिनो अम्लों के द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्च होता है। The value of dipole moment of amino acid are maximum. तीसरा, एमिनो अम्लों की अम्लता एवं क्षारता का मान अपेक्षाकृत भिन्न होता है। एमिनो अम्लों की अम्लता में क्षारकता का मान अपेक्षाकृत कम होता है। द वैल्यू ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी मिनिमम ऑफ एमिनो एसिड क्या होती है, अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। आगे बात करता हूं चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी में देखें, एमिनो जो अम्ल होते हैं, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी देखें कि जो एमिनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। एमिनो अम्ल जल में विलय एवं कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड सोल्यूबल इन वॉटर एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। ये इसके कुछ गुण थे, मतलब ज्यूट्राइन में दो ध्रुव पाए जाते हैं उसके लिए मैं क्या बताया, मैंने चार एविडेंस मैंने दिए हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बात करता हूं ज्यूट्राइन अम्ल के समान व्यवहार कैसे करता है उसके लिए।
लेकिन ज्विप्राइन अम्ल के समान या अम्ल के समान व्यवहार बिहेवियर ऑफ ज्विक्टर आयन लाइक एसिड। तो ज्विक्टर आयन होता क्या है, देखो NH3 पॉजिटिव CHRCOO नेगेटिव, ये है ज्विक्टर आयन। जब इसकी अभिक्रिया में जल के साथ कराता हूं H2O के साथ, तो देखो हम जानते हैं कि H प्लस आयन देने वाला क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो यहां से ये एच पॉजिटिव डोनेट कर देता है तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर, NH2CHRCOO+H3O। कैसे, हम जानते हैं एसिड क्या होता है जो एच पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। उसी प्रकार मैं बात कर लेता हूं ज्यूट्राइन क्षार के समान व्यवहार बिहेवियर ऑफ ज्विट्राइन लाइक बेस, मतलब क्षार के समान व्यवहार की बात कर रहा हूं। तो देखें मान मैंने वापस के लिए एक ज्विट्राइन ले लिया, क्षार इसको बोलते हैं जो एच पॉजिटिव ग्रहण करता है, क्या हो जाएगा सॉल्यूट इसके अंदर NH3 पॉजिटिव, तो एसिड इज रहेगा यहां, बट यहां क्या बन जाएगा CWH+OH-। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है अम्ल की, एच पॉजिटिव डोनेट करने वाले, और क्षार की क्या होती है एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाले मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं हम बेस कहते हैं। तो ये था ज्विट्राइन, ज्विट्राइन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी स्ट्रक्चर बता दी, उसके बाद उसकी एविडेंस की, इसमें दो पॉजिटिव और नेगेटिव शामिल होते हैं, और उसके बाद क्षार के समान और अम्ल के समान व्यवहार की बात भी हमने कर ली है। बात चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एमिनो अम्ल लास्ट का लास्ट टॉपिक है ये जो अब बताऊंगा, क्या नाम है समविभव बिंदु। नेक्स्ट इसका टॉपिक क्या है, नाम इसका समविभव बिंदु। समविभव बिंदु तो होते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या होता है समविभव बिंदु बता दूं, डेफिनेशन बाद में आएगी ना, पहले तो उसके बारे में बताते हैं कि क्या होता है। देखिए पहले तो बहुत सारी बड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसका डेफिनेशन आएगी। हम जानते हैं कि किसी मृदुकटे के जलीय विलयन में एनायन एनोड की ओर गमन करते हैं, ठीक है,
ठीक है। उसके बाद स्टार्टर एक पॉइंट और लिखता हूं, एमिनो अम्ल आयन, एमिनो अम्ल आयन किस इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करेगा, किस इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करेगा, यह माध्यम पर निर्भर करता है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। देखो कैसे बताऊंगा अभी मैं, पहले इंग्लिश में बात कर लेता हूं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी विद्युत कट्टे के जलीय विलयन में When a potential is applied in aqueous solution of any electrolyte, in aqueous solution of any electrolyte, then केटायन मूव टुवार्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव टुवार्ड्स एनोड, ठीक है। धनायन तो कैथोड की और ऋणायन एनोड की तरफ गति करते हैं। आगे देखें, मूवमेंट ऑफ एमिनो एसिड आयन इज डिपेंड अपॉन मीडियम, इसमें निर्भर करता है माध्यम पर निर्भर करता है। अगर अम्लीय माध्यम होगा तो उस हिसाब से घूमेगा, और मान लो क्षारीय माध्यम होगा तो क्षारीय माध्यम के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो मूवमेंट शो करता है, उसके आधार पर मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें लगाता हूं केस नंबर वन, ये लगाता हूं केस नंबर, यदि माध्यम अम्लीय हो यदि माध्यम क्या हो अम्लीय हो, इफ मीडियम इज एसिडिक, एसिडिक अगर मीडियम होता है तो क्या हो जाएगा केमिकल स्ट्रक्चर, NH3 पॉजिटिव CHR COO नेगेटिव, लिखा नहीं इसे मैंने H3O पॉजिटिव, क्या लिखा मैंने H3O पॉजिटिव, तो इस वाले केस में क्या हो जाता है, माध्यम यहां पे अम्लीय है ना, H3O पॉजिटिव लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा इस वाले केस के अंदर, रिएक्शन NH3 पॉजिटिव CHR COOH प्लस H2O, ये अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसको बोला हमने आयन फर्स्ट, इसको बोला हमने आयन थर्ड बोल दिया ना, थर्ड बोल रहा हूं, बात करता हूं दूसरे की, बात करता हूं केस नंबर टू की, बात करता हूं केस नंबर टू, यदि माध्यम क्षारीय हो If medium is basic, basic medium होता है,
इस वाली केस में क्या हो जाएगा, एनएस थ्री पॉजिटिव सी एच आर सी डब्ल्यू ओ नेगेटिव, इसकी अभी प्रॉब्लम है इसके साथ किसी क्षार के साथ ओ एच नेगेटिव, तो इस वाले केस में क्या होता है, यहां से एच पॉजिटिव क्लोराइड मिल जाता है और प्रोडक्ट मिलेगा आपको एन एच टू सी एच आर सी डब्ल्यू नेगेटिव प्लस एच टू ओ, ये फर्स्ट है और ये क्या बनेगा आपके सेकंड प्रोडक्ट का निर्माण होता है, मतलब सेकंड टाइप का आयन बनता है। ठीक है, अगर मैंने हम दोनों हमने बात कर ली, दोनों प्रकार की बात कर ली है, ठीक है हमने दोनों प्रकार की बात कर ली है, केस वन यदि माध्यम अम्लीय हो, केस टू यदि माध्यम क्या हो क्षारीय हो, दोनों प्रकार की हमने बात कर ली। अब समझा देता हूं, उसके अंदर ठीक है अगर मान लो माध्यम अम्लीय होता है तो ये क्या करेगा, सोड में लिखता हूं ना, अलग से लिखता हूं मैं, ये लिखता हूं, अगर माध्यम अम्लीय होता है ये केस होता है तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट आयन ठीक है मतलब ज्वित आयन मूव टुवार्ड्स कैथोड, हिंदी में लिख दूं ज्विटर आयन कैथोड की ओर गमन करता है। ठीक है, अगर मान लो माध्यम अगर अम्लीय होता है तो क्या होगा, किस साइड मूव करेगा ये, कैथोड की ओर, और मान लो कि ये वाला केस होता है, ठीक है क्या करेंगे, ज्विटर आयन मूव टुवार्ड्स एनोड, एनोड की ओर गमन करता है, ज्विटर आयन एनोड की ओर गमन करता है। ठीक है, माध्यम क्षारीय होता है तो एनोड की तरफ और माध्यम अम्लीय होता है तो कैथोड की ओर गति करेगा। अब बात कर लेता हूं समीपो बिंदु होता क्या है उसकी बात कर लेता हूं, देखें इसका लगा लिखा था ना डेफिनेशन क्या होता है, विलयन की अम्लीय अथवा क्षारकता का वह बिंदु विलयन की अम्लीयता का क्षारकता का वह बिंदु जिस पर कोई एमिनो अम्ल विद्युत विभव लगाने पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओर गमन नहीं करते हैं, गमन नहीं करते हैं वह बिंदु समविभव बिंदु कहलाते हैं, वह बिंदु समविभव बिंदु कहलाता है। ठीक है, बात कर लेता हूं इंग्लिश मीडियम की, बात कर लेता हूं साथ ही साथ,
those point of solution where those point of solutions those point of solution acidity and basicity where amino acid not move towards any electrode when potential are applied is called isoelectric point. तो क्या बोलते हैं हम समविभव बिंदु उसको हम कहते हैं. कुछ एग्जांपल्स लिखा देता हूं जिसमें समविभव बिंदु फिक्स है सबके वो लिखा देता हूं. देखिए कुछ एमिनो एसिड लिखा रहा हूं. एमिनो एसिड का टॉपिक खत्म हो जाएगा अभी खत्म होने वाला है लास्ट पॉइंट है. देखिए कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं ना. कुछ एमिनो एसिड के समविभव बिंदु लिखा रहा हूं. ग्लाइसिन है ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है जिसका समविभव बिंदु कितना होता है 6.1 होता है. 6.1 से ग्लाइसिन का क्या समविभव बिंदु होता है. एलिनिन इसका कितना होता है 6.0 होता है. सीरीन इसका होता है 5.7. ये पीएच से रिलेट करती है ना पीएच से रिलेट करती है. आर्जिनिन 11.2 लाइसिन 9.7 हिस्टिडीन 5.7 7.5. ठीक है ये कुछ एमिनेशन है उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं. आपको ये याद करना है. इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूं. ओके बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम पेप्टाइड. ओके थैंक यू.